हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। ये मॉर्निंग का समय हो रहा है, लेकिन इस समय तक ज़्यादा मॉर्निंग नहीं है। ये तृप्ति स्कूल जा चुकी है, टिफ़िन वगैरह बना के मैंने उसको स्कूल भेज दिया था, और झाड़ू वगैरह भी घर में लग चुका है। छोटे थोड़े बहुत काम हो चुके हैं और चाय वगैरह पीना भी हो गया। चाय तो आज बहुत जल्दी मॉर्निंग में ही हो गया था, क्योंकि हस्बैंड आए हुए हैं तो हस्बैंड मॉर्निंग में ही आए। ये सैटरडे का दिन है, ये सैटरडे का ब्लॉग है ये, तो बहुत मॉर्निंग में ही आए थे, तो उसी समय चाय वगैरह मैंने बनाया था, तो चाय पी के वो थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी जर्नी में तो हो ही जाती थकान, तो वो सो रहे हैं और मैं यहाँ पे अपना सारा काम कर रही हूँ। तो चाय तो बहुत जल्दी ही हो गई थी, पोछा नहीं लगाया है, क्योंकि ये सब करने में फिर बहुत धूल धूल होने लगती है, तो फिर सोचे पोछा बाद में लगाऊंगी। यहाँ मैं ना क्या कर रही हूँ, ठंड के कपड़े निकाल रही हूँ। वैसे तो कुछ मैंने निकाला था, लेकिन जितने बचे वो भी, अब तो ठंड आ चुकी है तो निकालना ही है, तो सारे भी मैंने यहाँ पर निकाल रही थी। हस्बैंड को भी जब पिछला बार दीपावली में आए थे तो कुछ मैंने उनको दिया था ठंड के कपड़े, और अब जो आए तो उनको तो सारा दे देना होगा, कि अब तो ठंड बढ़ गया है। अब बार बार तो आते भी नहीं है, कि बहुत दिनों बाद ही आए हैं, दीपावली 1.5 महीने बाद आए हैं, दीपावली का आया हुआ, इस बीच में नहीं आए थे, तो इसीलिए उनका उनका भी निकाला और मैंने अपना भी, बच्चों का मैंने पहले ही निकाल दिया था। मैं अपना ना बहुत कम ही निकाली थी, ज़्यादा नहीं निकाली थी, उसी में काम चल जा रहा था, लेकिन अब जब निकाला तो सारा ही निकाल लिया। ठंड तो अब बढ़ ही चुकी है, और वो भी जाएंगे तो उनका भी जितना और जित कुछ दिया था और जो बचा खुचा है वो सारा मैं दे दूंगी। तो यहाँ ना मैं एक कैरी बैग में रख दे रही हूँ, कि बैग में मैं बाद में पैक कर दूंगी। बैग ना ये जो बेड है उसके अंदर में रखा हुआ है बॉक्स में, तो उसको निकालना होगा, तो वो भी सो रहे हैं तो मैं अभी नहीं निकाली हूँ। जब उठेंगे तो बाद में निकाल के, तो बाद में पैक कर दूँ, फिलहाल तब तक मैं यहीं पर साइड में करके रख दी हूँ। और मैं भी अपना जितना भी है छोटा शॉल वगैरह सारा ही निकाल ली हूँ, एक दो तीन निकला हुआ था लेकिन सारा नहीं निकाली थी, अब सारा ही निकाल ली। ऊनी उलेन कुर्ती वगैरह सब कुछ साइड में करके रख दे रही हूँ, बाद में अलमीरा में जगह बनाऊँगी तो मैं पैक फिर उसको अच्छे से अरेंज करूँगी, क्योंकि अलमीरा में अभी फिलहाल जगह नहीं है। गर्मी आया तो फुल हो गया, तो कुछ हटाऊंगी उसमें से कपड़ा जो गर्मियों में पहनने वाले थे, जो अभी नहीं यूज़ होगा, उसके बाद और उसके जगह बनेगा, तो फिर ठंड के जितने मैंने अपने कपड़े निकाले उसको बाद में आराम से अरेंज करूँगी। अभी तो पहले मुझे पोछा लगाना था, वो मैं पहले कर ले रही हूँ। सुबह सुबह एक बार चाय हुआ था, और अभी तो हस्बैंड सोए हुए हैं, मतलब उठे थे जब मैं वहाँ पे कुछ कर रहे थे, फिर वो सो गए, क्योंकि अब थक जाता है ना आदमी, रात का ही निकला हुआ था, काफ़ी लंबा भी रास्ता है, आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो फिर उसलिए वो सो रहे हैं। और तब तक मैंने यहाँ काम वाम ख़त्म कर लेती हूँ मॉर्निंग का, जो भी होता है पोछा वगैरह लगा के, कपड़ा धोना, नहाना, पूजा करना, उसके बाद फिर एक बार चाय बनेगी, क्योंकि हस्बैंड के रहने पे ना चाय बहुत बार बनती है। और तानिया आज स्कूल नहीं गई थी, वो घर में ही है, वैसे भी उनके बच्चे अभी 11th में है ना, तो उसके स्कूल में ना पढ़ाई बहुत कम होता है, बच्चे भी कम ही आते हैं, तो वो मतलब कंटिन्यू स्कूल नहीं जाती है, बीच बीच में गैप करती है, घर में ही अच्छे से तैयारी कर लेती है। और ये सैटरडे का ब्लॉग है, तो सैटरडे को मैं ना अच्छे से पूरा सीढ़ी वगैरह सब साफ़ करती हूँ। ऐसे तो मैं झाड़ू रोज़ लगाती हूँ सीढ़ी वगैरह में, लेकिन पोछा मैं मतलब धोने वाला काम डेली नहीं करती हूँ, बस सैटरडे का, सैटरडे वीक में एक दिन अच्छे से धो देती हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे अच्छे से पोछा से लगा लूँगी, तो उसके बाद नहा वहा के फिर चाय वगैरह दोबारा बनेगा, क्योंकि हस्बैंड के रहने पर चाय बहुत बार बनती है। चाय तो सर मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन अकेले के लिए कौन बार बार बनाता है, लेकिन अब जैसे दो जन रहता तो होता ना, चलो बनाओ तो बनाते, तो मैं भी पी ही लेती हूँ। तो एक बार सुबह हुआ है और एक बार अब होगी बाद में, फिर से एक बार दो बार कितना बार हो जाएगा कोई ठीक नहीं है। तो मैंने यहाँ फ़ैन चला दिया था थोड़ा सूखने के लिए बरांडा को, क्योंकि ऊपर वाला फ़ैन तो है नहीं बरांडा में, तो यही चला दिया। आजकल बिना फ़ैन का ना घर सूखता भी नहीं, ठंड में जल्दी सूखता नहीं है ना, और जल्दी सूखे नहीं ना बस, तो फिर यहाँ वहाँ सब करने लगते हैं, तो फिर पाँव का पूरा दाग लग जाता है। तो मैंने फ़ैन चला दिया वहाँ सूखने के लिए, और फिर यहाँ मैं पूरा सीढ़ी धो ले रही हूँ। और सीढ़ी ने मतलब ऐसे मैं झाड़ू रोज़ लगाती हूँ, लेकिन यहाँ ना जो रोड, मैंने इससे पहले वीडियो बताया था, यहाँ का रोड तोड़ा गया था क्या क्या कुछ काम के लिए, जिसे जैसे तोड़ने के बाद होता है ना, कि और ठीक तो कर दिया गया है, लेकिन वो बैठा नहीं है मिट्टी ना, तो पूरा जो भी बाइक गाड़ी जो भी चलता है ना, तो इतना धूल उड़ता है ना, पूरा एकदम गंदा हो जाता है। और मेरा तो जो ग्रिल है, बरांडा है, वो खुला है, मेरा ग्रिल वाला है, तो पूरा बरांडा हमें गंदा हो जाता है, पोछा लगा दो 2-3 घंटा बाद फिर वैसी डस्ट डस्ट, मतलब दिन भर में मैं 2-3 बार तो साफ़ कर ही ले, मतलब पोछा भी बरांडा में मैं 2-3 बार लगा लेती हूँ, इतना गंदा हो जाता है। और झाड़ू का तो खैर कोई है ही नहीं, कितना बार भी लग जाता है, ऐसे तो पोछा वोछा लगाते रहती हूँ, लेकिन धो के ना जो करो ना तो फिर अच्छा लगता है। आज जैसे मैं पूरा धो दी हूँ ना, तो इतनी अच्छी तरह साफ़ हो गया ना, देखने में भी अच्छा लग रहा था, साफ साफ लग रहा था, लेकिन ज़्यादा नहीं, 2-3 घंटा में ही फिर पूरा बुरी तरह से सारा गंदा हो गया, क्योंकि हम मैं आप लोगों को पता है मैं रेंट में रहती हूँ, और ऊपर भी पूरा रेंटर ही है, तो बहुत लोग हैं मतलब इस बिल्डिंग में, तो तुरंत आना जाना, आना जाना, सूखता भी नहीं है, और लोग आना जाना चालू हो जाता है, तो फिर वो वापस से गंदा हो जाता है। खैर क्या कर सकते हैं, तो हम किसी को मना तो कर नहीं सकते।
तो बस यहाँ पे मैं पूरा साफ़ कर ले रही हूँ, धो धो के अच्छा से, और उसके बाद फिर वही, अभी तो हस्बैंड सोए हुए हैं तो चलो ठीक है। उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह तो मॉर्निंग में मैंने बना लिया था, तानिया भी नाश्ता कर चुकी है, पढ़ाई कर रही है वो अपना, और उसके बाद अभी मैं जाऊँगी नहाने, कपड़े धोने, जब ये सारा काम हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं दोबारा एक बार चाय बनाऊँगी, खाना पीना जो भी है वो सब कुछ होगा, बनेगा। तो यहाँ हो गया मेरा पूरा साफ़ सफाई का काम, मतलब घर साफ़ सफाई का पूरा बाहर तक। और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, नहा के आके पूजा वूजा किया मैंने, उसके बाद चाय जो है ना मैं चढ़ा के नीचे आई हूँ ऊपर छत पे कपड़ा डालने के लिए। चाय पकने में लगेगी टाइम, कि मैं जल्दबाजी में चाय बनाती नहीं हूँ, आराम से पकता है तो वैसे ही चाय मुझे पसंद है। तब तक मैं यहाँ पे कपड़े सुखाने आ गई थी, और यहाँ ना तानिया ही वीडियो बना, आज ना जो मैं सीढ़ी धो रही थी वो भी तानिया ने ही बनाया था, कि ना स्टैंड लगाओ ना तो फिर दिक्कत हो जाती, देखने जाना पड़ता बार बार कि ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सेट है कि नहीं, तो बहुत प्रॉब्लम होती। मैंने तानिया तुम घर में तो तुम बना दो, तो उसका मन तो नहीं था, लेकिन मन को मार के इसने लेके मेरी आज मदद की है, सीढ़ी धोने टाइम भी बनाया था और ये छत पर भी अभी वही बना रही है। और हवा देखिए कितना ज़्यादा चलता है यहाँ पे, क्लिप तुरंत लगाओ ना कपड़ा सूखने नहीं देता है ये। उसके बाद काफ़ी देर बाद का वीडियो है, खाना पीना खाने जा रहे थे, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, होता है ना हस्बैंड इतने दिन बाद आए हैं तो अब थोड़ा सा तो आदमी बिजी हो ही जाता है ना, फिर थोड़ा टाइम भी देना ही पड़ता है, फिर अच्छा भी नहीं लग रहा था ना कि अब हर समय कैमरा ऑन कर वीडियो में बिजी रहो, तो फिर अब रहता ना कैमरा ऑन रहे तो हम उसी में बिजी हो जाते हैं ना, तो फिर इसलिए मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाया। फिर एक ही बार खाना खाने टाइम में तृप्ति स्कूल से आ चुकी थी, और खाना पीना खाने के बाद थोड़ा सा आराम किया था, और सिंपल सा खाना बनाया था, दाल चावल और जो जो होता है ना कोहड़ा, मीठा कोहड़ा, उसकी सब्जी और बंदा गोभी की सब्जी थी। और ये फिर शाम का समय हो रहा है, ये मैंने ना यूट्यूब पे देखा था नारियल निकालने का तरीका, तो मेरा मन किया ना मैं भी एक बार ट्राई करती हूँ ये आग में जला के, जो आप लोगों ने भी देखा होगा, तो मैंने भी एक बार ट्राई करने की कोशिश की, चलो देखे कैसा होता है। तो ठीक है जल्दी तो निकल गया था, लेकिन उसका ना मुझे जो नारियल का जो अंदर का टेस्ट था वो वैसा नहीं आ रहा था जैसे कि हम जो नॉर्मल तरीके से फोड़ के नारियल निकालते हैं ना, वैसा नहीं। हो सकता है मेरी कोई गलती रही होगी इसमें, इसको करने में ठीक से नहीं हो पाया या ज़्यादा पक गया हो, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया बाद में इसका जो निकालने के बाद नारियल का। तो उसको मैंने आग में पका के, और ऐसे जैसे मैंने देखा था ना यूट्यूब पे, मैंने बिल्कुल वैसा वैसा ही किया, हल्का उसको मैंने पानी में डाल दिया, इसको अच्छे से धो के, और उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी। तो हाँ ये तो है कि निकालने में इसके ऊपर का ना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत आराम से और जल्दी निकल गया, लेकिन इसका नारियल का स्वाद ना सेम पहले की तरह रहा नहीं, मतलब जैसे हम नॉर्मल फोड़ते हैं तो स्वाद रहता है ना, वैसा नहीं रहा था इसका। आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगे, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके भी बताइएगा आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी। और यहाँ देखिए कितना आराम से ये निकल जा रहा है, निकल तो बहुत आराम से गया था, और इसको धो दूंगी क्योंकि अब निकालने में तो गंदा हो गया था, मतलब सब कुछ ठीक से था लेकिन इसका स्वाद उतना मुझे पसंद नहीं आया। तो मैंने इसको ना मिक्सर ग्राइंडर में ग्रेट करके और चीनी डाल के ना इसको मैंने अच्छे से भून लिया था, बच्चे ऐसे भी खाएँ और इसका कुछ ऐसे पीठा वगैरह बना के भी खा लेंगे। तो यही करती हूँ मैं अपने वीडियो को एंड।